हेलो दोस्तों, नमस्कार। रसोई अड्डा में आप लोग का स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ भुना हुआ एक मसाला करी। तो मैंने एक को बॉईल कर लिया और छील करके इसको रेडी कर लिया। थोड़ा थोड़ा कट लगा दिया मैंने अंडा में, और थोड़ा थोड़ा करके अभी दो बार डिवाइड करके मैं भून लेती हूँ इसको, मतलब फ्राई कर लेती हूँ। सरसों के ऑयल गरम करने रख दिया। इन्हें एकदम तेज़ फ्लेम में, मतलब हाई फ्लेम में रख के अंडा को हम फ्राई कर लेंगे। अगर मेरा ये बुना हुआ एक रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आशा करती हूँ आप लोग को ये रेसिपी अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इन्हें भून के निकाल लेते हैं। हमारा एक जो है सारे एग्स को मैं फ्राई कर लिया, डीप फ्राई, और उनमें बचा हुआ तेल था इसमें हमने और थोड़ा मिला लिया। और इनमें हम खड़ा मसाला डाल देते हैं। अभी मैंने दो चार तेज़पत्ता ले लिया, दो सूखी मिर्ची और लौंग, थोड़े से हरे इलायची, दालचीनी, मोटी इलायची और जीरा सारे इकट्ठे डाल देंगे इसमें। और एकदम स्लो फ्लेम में इसको भूनेंगे। हमारा ड्राई मसाला जो है भून गया है, हमने स्लो फ्लेम में रख दिया था एकदम फर्स्ट क्लास। इनमें मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। इनको अच्छे तरह भून लेंगे अभी 5-7 मिनट में, एकदम ब्राउन सा कर लेंगे। चलिए, और 2 मिनट हो गया है इन्हें भूनते हुए। तो बीच बीच में ऐसे मसाला को देखना पड़ता है ताकि मसाला ना जले। और हमने ये घोल बना लेने हैं। इसमें मैंने दिगी मिर्ची कलर के लिए 1 चम्मच डाला इसमें, और नॉर्मल मिर्ची भी 1 चम्मच डाला। और इनमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे 1 चम्मच करीब, छोटी स्पून है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इनमें एक घोल बना करके अभी पानी डाल के रख देंगे। चलिए, हमारा मसाला जो है भुन रही है। अभी इनमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं, 2 चम्मच करीब धनिया पाउडर ऐड कर देंगे हम। इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। चलिए, तब तक हम घोल बना लेते हैं इसका। और इसको घोल बना करके हम साइड में रख लेते हैं। जब तक हमारा मसाला भून जाते हैं प्याज लहसुन अदरक, तब तक अच्छे से प्याज का मसाला भून करके एकदम रेडी है। मगर और बाकी मसाला हम ऐड करते हैं इनमें। मैं डालूंगी 2 चम्मच बेसन, भून करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे प्याज के ऊपर आप डाल सकते हैं, तो ये अपने आप भून जाएगा अभी और तेल छोड़ देगा एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया सा। लो टू मीडियम फ्लेम में आप भूनेंगे अभी 2-4 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से भून जाए, कच्चेपन ना आए। मैं एकदम अच्छी तरह भुने हुए खुशबू आ रही है इसमें से, आप देख भी सकते हैं कितना झाग आ गया। इसका मतलब बेसन जो है हमारा भून गई है। 5-7 मिनट हो गया स्लो फ्लेम में भूनते हुए। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर प्यूरी भी मैंने काफ़ी सारा बना लिया था, तो इनमें थोड़ा सा मसाला, भुना हुआ मसाला, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मसाला चाहिए होते हैं।
तो चलिए इन्हें भी भून लेते हैं अभी 5-7 मिनट के लिए, जब तक तेल ना छोड़ दे। हमारा टमाटर भी भून रहे हैं धीरे धीरे, तो हम और नमक मसाला और ऐड कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप ज़रूर एक बार बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्टी है। और इनमें हम जो घोल करके रखा था हल्दी और रेड मिर्ची, दीघी मिर्ची, सब हमने इसमें ऐड कर दिया। अभी इन्हें भी भून लेंगे अच्छे से, एकदम बढ़िया सा। अब मसालों को जितने भूनेंगे उतना ही खाने में टेस्टी भी होगा और दिखने में भी अच्छा लगेगी। तो चलिए इन्हें भी अच्छे से हम भूनते हैं स्लो फ्लेम में, जब तक ऊपर तक तेल ना आ जाए मसालों में से। देख रहे हैं हमारा भुना हुआ मसाला का, एक मसाला का रेसिपी एकदम फर्स्ट क्लास मसाला भुन गई है। हम अब ऐड करेंगे जो फ्राई करके एक रख लिया था, इन्हें डाल देंगे। और आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप पानी डालिए, और नहीं चाहिए तो ऐसे रहने दीजिए। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना, एकदम टेस्टी लाजवाब सी सब्जी। देखिए हम थोड़ी देर इनको भून करके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इनमें। थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ, आपके पास है तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ इसमें, आधी ग्लास करीब। और इन्हें एक उबाल आने देते हैं, तब तक के लिए हम एकदम फर्स्ट क्लास। थोड़ी देर हम उबाल लेते हैं इन्हें, ताकि मसाला और नमक अंडे के अंदर आ जाए, एक में थोड़ा सा आ जाए। और थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी इसमें, मतलब टोटल एक गिलास डाला पानी। अभी ढक करके 5 से 7 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम में हम पकाएंगे। तो चलिए चल के हम देख लेते हैं हमारा सब्जी की क्या हाल है। सब्जी हमारा बनकर के एकदम तैयार है। हम अभी में ऐड करेंगे गरम मसाला और खूब सारे हरा धनिया, और ऑफ कर देंगे। अगर हमारा ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छा रहिए। बाय बाय, टेक केयर।